पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के NH2 स्थित कर्मनाशा ओवरब्रिज से वाहन जांच के दौरान दुर्गावती थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एंटी लीकर के संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन कैमूर का बोर्ड लगाकर शराब के तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 133 लीटर शराब के साथ जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत आईडी कार्ड के साथ दंपति सहित तीन को गिरफ्तार कर लिया। दुर्गावती थाने पर प्रेस वार्ता के दौरान मोहनिया SDPO प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार HR55AF6618 की जांच में पाया गया कि गाड़ी के आगे बिहार सरकार जिला प्रशासन कैमूर भभुआ का बोर्ड लगा हुआ है, जिसका सत्यापन कराया गया तो इस वाहन को उप निर्वाचन पदाधिकारी भभुआ के यहां 25,000 मासिक किराया पर प्रतिबंधित है। जब्त वाहन और आईडी कार्ड सहित अनुबंधन के शर्तों की भी जांच कराई जाएगी। जब्त वाहन में 133 लीटर देसी शराब व विदेशी शराब जब्त किया गया है। गिरफ्तार महिला सहित तीन लोगों के आपराधिक इतिहास भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार दंपति सुरभि कुमारी व पति विनय कुमार दोनों कैमूर जिला के चैनपुर थाना के डोबरी के रहने वाले हैं। वहीं तीसरा व्यक्ति सोनू कुमार कैमूर जिले के कुडासन का रहने वाले हैं। 24/9/2024 की रात्रि करीब 2:30 बजे ग्रामनाशा ओवर ब्रिज पर वाहन चेकिंग की जा रही थी रात्रि गश्ती के द्वारा। उसी क्रम में एक उजला रंग के स्विफ्ट डिजायर कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4/55A/6618 वहाँ आई, जिसका जांच किया गया। गश्ती पदाधिकारी के द्वारा पाया गया कि इस गाड़ी के आगे बिहार सरकार जिला प्रशासन कैमूर भगवा का बोर्ड लगा हुआ है, जिसका सत्यापन कराया गया। इस वाहन की जांच की गई तो इसमें लगभग 132 लीटर शराब की बरामदगी हुई, साथ ही एक लैपटॉप, दो मोबाइल और जिला प्रशासन जिला पदाधिकारी कार्यालय कैमूर भगवा के नाम से जारी आई कार्ड भी बरामद हुआ है। इस संबंध में दुर्गावती थाना कांड संख्या 301/24 दर्ज किया गया है और इसकी जांच कराई जा रही है और इस गाड़ी के अभी सत्यापन कराया गया है। इसके क्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी भगवान के यहाँ ये गाड़ी 25,000 रुपये मासिक किराए पर अनुबंधित है और इस अनुबंधन के शर्त का भी हम लोग जाँच कराएंगे। ये अनुसंधान के तहत इसमें और भी मामले सामने। जो व्यक्ति गिरफ्तार है सर, क्या उस गाड़ी को वही चलाता था? अभी तो एक ड्राइवर का है, उसके नाम का कार्ड भी बरामद है, जिला प्रशासन के द्वारा जिससे जिला प्रशासन का लगा हुआ है, इससे इसका भी सत्यापन कराया जाएगा। ये आई कार्ड जो है वो फर्जी हुई है, इसका भी जांच कराया जाएगा। इसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें दो पुरुष और एक महिला। ये पेशवर तस्कर है या पहली बार सर ऐसा? इसका जाँच कहीं कांड दर्ज है और ये पहले से शराब के धंधे में लिप्त है, इसकी जाँच हमने करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।